जिनका जन्म काशी में हुआ था और जिनकी मृत्यु भी काशी में हुई थी, जिनका परिवार काशी के प्रतिष्ठित परिवारों में एक था, जिनका परिवार अपने कला प्रेम और दानशीलता के लिए विख्यात था, काशी की जनता काशी नरेश के बाद जिनका हर हर महादेव कहकर अभिनंदन करती थी, जो एक कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और इन सबके साथ एक युग प्रवर्तक भी थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम बात करने वाले हैं छायावाद के आधार स्तंभों में से एक, जयशंकर प्रसाद की। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेखक कहानीकार जयशंकर प्रसाद के जीवन से परिचित होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात परीक्षा की दृष्टि से आपको याद होनी चाहिए, और संभवतः मुझे पूर्ण विश्वास, संभवतः नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कंठस्थ होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक हैं। आपका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, वाराणसी, बनारस और काशी तीनों एक ही स्थान के नाम हैं। और आपका निधन यानी आपकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। आपकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था, आपके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के यानी वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। आपकी आरंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज काशी में हुई और शेष शिक्षा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, विषम परिस्थितियों के कारण, घर पर ही संपन्न हुई और आपने घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी जिन साहित्यकार की, जिन लेखक की, कहानीकार की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। वे किसी भी बहुत प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में शिक्षा के लिए नहीं गए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्यों इसलिए ध्यान में रखना है कि हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ा ही नहीं, किसी शिक्षण संस्थान में जिसने शिक्षा प्राप्त की ही नहीं, उसका काव्य, उसका साहित्य, उसकी कहानियां कितनी उच्च कोटि की हैं। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना ही चाहिए। आपके जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम था मोहिनी लाल गुप्त, जिन्हें रसमय सिद्ध के नाम से जाना जाता है, और आपके काव्य गुरु यानी जिन्होंने उनकी कविता लेखन की यानी कवि प्रतिभा को एक नई दिशा दी, उनका नाम था पंडित देवी प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम कवि चक्रवर्ती था और वे कवि चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध भी थे। 9 वर्ष की उम्र से ही आपने कविता, काव्य लेखन यानी सृजन प्रारंभ कर दिया। 9 वर्ष की उम्र बहुत ही अबोध उम्र होती है, और हमको ध्यान रखना है कि अगर जयशंकर प्रसाद 9 वर्ष की उम्र में लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें साहित्यिक संस्कार कितने प्रबल थे। और उन्होंने जो पहली रचना लिखी वो कलाधर नाम से एक सवैया रचा। उस समय छंदों का, छंदबद्ध कविता का जमाना था तो, और ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित थी, तो ये पहली उनकी रचना सवैया छंद में थी, दूसरी बात ब्रज भाषा में थी, और तीसरी बात कलाधर नामक उपनाम से जयशंकर प्रसाद ने अपनी सृजन को प्रारंभ किया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यानी इस बिंदु में 3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा यानी कविता लेखन यानी लेखन प्रक्रिया ब्रज भाषा में शुरू की, कलाधर उपनाम से शुरू की, और उनकी पहली रचना एक छंद थी जो सवैया थी। दूसरी बात, पहली कविता आपकी सावक पंचक थी। ये तो केवल एक छंद था, सवैया छंद में लिखी गई एक छोटी सी, छोटा सा नमूना उन्होंने अपनी कवि प्रतिभा का पेश किया था। उनकी पहली कविता जिसे माना जाता है वो सावक पंचक थी, और 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। भारतेंदु पत्रिका भारतेंदु मंडल के साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी के द्वारा 1883 के लगभग प्रारंभ की गई थी, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, और ये पत्रिका वृंदावन से प्रकाशित की जाती थी। तो उस पत्रिका में 1906 में आपकी पहली कविता सावक पंचक प्रकाशित हुई। आपका नाटक कल्याणी परिणय
1912 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि काव्य सृजन से अपनी साहित्यिक यात्रा प्रसाद ने भले ही शुरू की हो, लेकिन अपने प्रारंभिक सृजन काल में ही वे नाटक लेखन भी की ओर भी प्रवृत्त हो गए थे। तो उनका पहला नाटक कल्याणी परिणय 1912 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका यानी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की एक महत्वपूर्ण अपने जमाने की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और 1931 में जब चंद्रगुप्त नाटक उनका प्रकाशित हुआ तो ये कल्याणी परिणय नाटक उसी में समायोजित कर दिया गया। और आपको आपकी कृति, अद्भुत कृति, अनुपम कृति, साहित्य की अनमोल धरोहर कामायनी के लिए उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यानी उन्हें ये एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान उपलब्ध हुआ। आगे चलते हैं। अब एक और बात, एक और बिंदु जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हम अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनका स्मरण हमें रखना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उनकी रचनाओं की बात आती है तो हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि आपने कविताएं लिखी, आपने नाटक लिखे, आपने उपन्यास लिखे, आपने कहानी और निबंध भी लिखे। और आपको कंठस्थ कर लेना है कि आपने अपनी लेखन यात्रा, अपना सृजन कर्म ब्रज भाषा में शुरू किया। यानी प्रारंभिक रचनाएं आपकी ब्रज भाषा में थी। आपकी काव्य कृतियों में प्रेम पथिक का नाम सबसे पहले आता है और ये जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, 1909 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये इंदु पत्रिका कौन सी थी? इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद के भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित पत्रिका थी, इंदु पत्रिका। और उसमें उनकी पहली काव्य कृति प्रेम पथिक 1909 में, जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई। 1914 में जब प्रेम पथिक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ तो वो खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी ब्रज भाषा से उसको रूपांतरित करके खड़ी बोली में प्रकाशित किया गया। उनकी दूसरी काव्यकृति है करुणालय, ये भी 1913 में इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। और बाद में इसे चित्राधार में, चित्राधार संकलन जो 1918 में प्रकाशित हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें संकलित कर दिया गया। ये करुणालय एक काव्य नाटक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1928 में दोनों कृतियां यानी करुणालय और चित्राधार स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हो गई। कब? 1928 में। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंदु पत्रिका में करुणालय जो कि काव्य नाटक था 1913 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद उसे 1918 में जब चित्राधार प्रकाशित हुआ तो उसमें शामिल कर दिया गया, उसमें संकलित कर दिया गया। लेकिन 1928 में जब दोबारा से इन कृतियों का प्रकाशन हुआ तो करुणालय और चित्राधार को अलग अलग स्वतंत्र कृतियों के रूप में, स्वतंत्र रचनाओं के रूप में प्रकाशित किया गया। अगली आपकी काव्यकृति है महाराणा का महत्व, ये भी 1914 में इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। और कालांतर में यानी 1918 में इसे भी चित्राधार के प्रथम संस्करण में संकलित किया गया। और 1928 में जब चित्राधार और करुणालय स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किए गए, तब महाराणा का महत्व कृति भी स्वतंत्र रूप से प्रकाशित की गई। यानी ये तीन अलग अलग भिन्न भिन्न कृतियों के रूप में 1928 में हमारे सामने आई। आगे चलते हैं। कानन कुसुम आपका एक बहुत ही उल्लेखनीय कविता संग्रह 1913 में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ और 1918 में ये खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। 1913 में जब ये ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ तो इसमें कुछ एक रचनाएं खड़ी बोली की भी थी। यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिला जुला कविता संग्रह था कानन कुसुम। लेकिन 1918 में जब इसका प्रकाशन किया तो इसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं ही संकलित की गई। और यही कारण है दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कानन कुसुम के बारे में आपको याद रखनी है कि इसे खड़ी बोली का प्रसाद का पहला कविता संग्रह माना जाता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में रचित पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कानन कुसुम इसका उत्तर है।
चित्राधार भी 1918 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जब 1900 देखिए ये प्रकाशित हुआ है 1918 में, आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको बिल्कुल यहां पर ही दूर कर लीजिए। 1918 में जो कानन कुसुम प्रकाशित हुआ है वो केवल पूरी तरह से खड़ी बोली में है, लेकिन 1918 में ही चित्राधार भी प्रकाशित हुआ है, लेकिन वो खड़ी बोली में नहीं है, उसमें मिश्रित कविताएं हैं, यानी खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों की मिलीजुली कविताओं का संग्रह चित्राधार के रूप में 1918 में प्रकाशित हुआ। तो दोनों में क्या अंतर है, 1918 ही प्रकाशन वर्ष है लेकिन ये खड़ी बोली में प्रकाशित है और इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की रचनाएं हैं। यही कारण है कि कानन कुसुम को प्रसाद का खड़ी बोली का पहला कविता संग्रह माना जाता है। 1928 में जब चित्राधार का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया तब इसमें केवल और केवल ब्रजभाषा की उनकी कविताएं ही संकलित की गई। 1918 में ही आपका झरना कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और झरना का महत्व साहित्यिक दृष्टि से है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस दृष्टि से भी बहुत है कि प्रसाद की जो पहली छायावादी कविता मानी जाती है जिसका शीर्षक है प्रथम प्रभात, वो झरना कविता संग्रह में ही संकलित है। आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली बात प्रश्न पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता कौन सी है, तो प्रथम प्रभात उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न इस पर यह पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रभात जो जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता है किस कविता संग्रह में प्रकाशित की गई या संकलित की गई, तो झरना उसका उत्तर होगा और झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 और इसका दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद आंसू का नंबर आता है, आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 और उसका दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी बहुत ही उल्लेखनीय कृति लहर 1935 में प्रकाशित हुई और उसके बाद उनकी कवि प्रतिभा का चरमोत्कर्ष जिस महाकाव्य के रूप में सामने आया वो है कामायनी, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1936। आगे चलते हैं। अब आपने तीन उपन्यास लिखे जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रियता आपके तितली उपन्यास को मिली। पहला उनका उपन्यास कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में प्रकाशित हुआ और इरावती उपन्यास उनकी मृत्यु तक वे पूरा नहीं कर सके, अपूर्ण उपन्यास उनका माना जाता है और इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1938 में हुआ। लगभग 70 कहानियां आपने लिखी। जैसे हम जब प्रेमचंद की बात हमने की थी तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, उसी तरह से जयशंकर प्रसाद के नाम जो अनुमानित कहानियों की संख्या है वो है 70 और वो 70 कहानियां लगभग इन 5 कहानी संग्रहों में संकलित है। सबसे पहला उनका कहानी संग्रह है छाया 1912 में प्रकाशित हुआ, दूसरा प्रतिध्वनि 1928 में प्रकाशित हुआ, आकाशदीप 1929 में प्रकाशित हुआ, आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। अब आपकी सारी रचनाओं के संकलन भी कुछ वर्षों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा संपादित किए गए, प्रकाशित किए गए। तो रचना समग्र का जो पहला संपादन है वो डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र ने किया जिसका प्रकाशन लोक भारती प्रयाग से हुआ और इस संकलन का नाम है जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली और ये 7 खंडों में प्रकाशित किया गया और इस सारी ग्रंथावली में जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण साहित्य संकलित किया गया है। इसी तरह का एक दूसरा प्रयास ओम प्रकाश सिंह के द्वारा भी किया गया और इस ग्रंथ का नाम भी जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, लेकिन इसमें 7 खंड थे और इसमें 4 खंड और इसका प्रकाशन प्रकाशन संस्थान दिल्ली से हुआ। आगे चले। अब आपने 13 नाटक लिखे, एक 14वां नाटक अभी कुछ ही समय से प्रकाश में आया है जो कि उनका अपूर्ण नाटक माना जाता है। तो आपके 13 नाटकों का जो नाम है और क्रम है प्रकाशन का वो इस प्रकार है। उर्वशी एक चंपू काव्य है, यानी उसमें गद्य और पद्य मिश्रित नाटक है, ये 1909 में प्रकाशित हुआ। सज्जन नाटक 1910 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं 1931 में जो चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया गया था उसका प्रकाशन 1912 में हुआ। प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930। इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि
कि बहुत सारे साहित्यकार, अधिकांश विद्वान एक घूंट को पहला हिंदी एकांकी मानते हैं। यानी कुछ विद्वानों की मान्यता है कि एक घूंट से ही हिंदी एकांकी के लेखन की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद आपका नाटक चंद्रगुप्त, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुआ और अग्निमित्र उनका एक अपूर्ण नाटक माना जाता है। यानी 13 पूर्ण नाटकों और एक अपूर्ण नाटक का सृजन किया जयशंकर प्रसाद ने। अब जयशंकर प्रसाद के कहानीकार के रूप में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस तरीके से हमने उनकी पहली छायावादी कविता की बात की, जिस तरह से हमने उनकी पहली ब्रजभाषा की कविता की बात की जो सावक पंचक थी, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात थी, उसी तरह से हमें पता होना चाहिए जब हम कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं तो उनकी पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपके 5 कहानी संग्रह में लगभग 70 कहानियां संकलित हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। प्रमुखतः आपने किस प्रकार की कहानियां लिखी, देखिए हमने जब प्रेमचंद की कहानियों पर बात की थी, हमने पूस की रात और कफन पर बात की थी, तब हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है, जो कहानियां लिखने के मूल में जो उनकी दृष्टि है, वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी यथार्थ की अभिव्यक्ति और कहानी का अंत, कहानी का चरमोत्कर्ष आदर्श की स्थापना में होता था। लेकिन यह स्थिति उनकी केवल प्रारंभिक कहानियों में ही रही। जैसे जैसे वे कहानी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, उनकी साहित्यिक प्रतिभा में निखार आता गया और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और परिणाम ये हुआ कि अंतिम पड़ाव पर आकर के आपने जो भी कहानियां लिखी वे सब यथार्थवादी दृष्टिकोण वाली थी। इसी तरह से अगर हम प्रसाद की कहानियों की मूल में स्थित दृष्टिकोण की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने पूर्णतः भाव प्रधान और आदर्शवादी कहानियां लिखी। यानी प्रेमचंद लिखते हैं या आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानियां और प्रसाद लिखते हैं भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियां। प्रमुखतः ऐसा नहीं है कि उन्होंने यथार्थवादी कहानियां नहीं लिखी, यथार्थवादी कहानियां भी लिखी, यथार्थ भी उनकी कहानियों में कई जगह अभिव्यक्त होता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए, प्रमुख रूप से देखा जाए तो उनकी कहानियां भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियां हैं। और आपकी कहानियों की एक खास बात है जो उससे पहले की कहानियों में मिलती ही नहीं थी, दृश्य प्रधानता सबसे पहला गुण है। यानी वो दृश्यों को, क्योंकि नाटककार भी थे जयशंकर प्रसाद, तो इसलिए वे जब कहानी में किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उसका दृश्य सा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यानी उनकी कहानियों में अधिकतर दृश्य प्रधानता का तत्व मिलता है और पुरस्कार भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है। इसके बाद दूसरा जो तत्व है वो है नाटकीयता। नाटकीयता कहानी में कब आती है दोस्तों? नाटकीयता कहानी में उस समय आती है जब बहुत ही अधिक संवादों का प्रयोग कहानीकार करता है और कथा के विकास को आधार देता है, एक दिशा देता है, एक गति देता है संवादों के माध्यम से। तो क्या फर्क हुआ? देखिए, कहानियां दो तरह से लिखी जाती हैं। एक तो वर्णन प्रधान कहानी होती है जिसमें कहानीकार स्वयं ही वर्णन करता हुआ आगे बढ़ता है। एक कहानी वो होती है जिसमें संवादों के जरिए कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। तो जिस कहानी में संवादों के जरिए कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है उसमें नाटकीयता का गुण अपने आप आ जाता है। तो प्रसाद की कहानियों की ये खास बात है। कई कहानियां तो उनकी ऐसी हैं जो जिनकी शुरुआत ही संवाद से होती है। तो नाटकीयता दूसरी विशेषता है उनकी कहानियों की और पुरस्कार कहानी में भी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद चित्रात्मकता उनकी कहानियों में का खास गुण है। चित्रात्मकता यानी पूरा का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देना। देखिए, दृश्य प्रस्तुत करना एक अलग बात है, दृश्य में जीवंतता होती है लेकिन चित्र में स्थिरता होती है। तो जब चित्र प्रस्तुत करने में, चित्रात्मकता में और दृश्य प्रधानता में अंतर आप समझ लेंगे, जहां गतिशीलता है यानी दृश्य प्रधानता है, जहां स्थिरता है वर्णन में वहां चित्र प्रधानता है। लेकिन दोनों की समान बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में दृश्य और चित्र आंखों के सामने पाठक के साकार हो जाता है, यानी पाठक की आंखों के सामने साकार हो जाता है।
ये उनकी उनके द्वारा कहानी के शिल्प में किया गया एक नया अभिनव प्रयोग था। अभिनव प्रयोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व कहानियों में ये तीन तत्व तीन विशेषताएं मिलती ही नहीं थी। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी लेखन किया, यानी एक तो उनकी कहानियों की विशेषता है भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी लेखन, दूसरा है राष्ट्रीय ऐतिहासिक, राष्ट्रीय के साथ आप सांस्कृतिक भी जोड़ लीजिए क्योंकि सांस्कृतिकता भी उनकी कहानियों में बहुत अधिक मिलती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां लिखी जयशंकर प्रसाद ने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण भी किया जयशंकर प्रसाद ने, और ये विशेषता उनकी कहानियों में ही नहीं बल्कि उनके नाटकों में भी, उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। अंतर्द्वंद्व की प्रधानता उनकी कहानियों की एक खास विशेषता है, और पुरस्कार कहानी में भी ये अंतर्द्वंद्व का गुण देखने को मिलता है क्योंकि इस अंतर्द्वंद्व के माध्यम से वे पात्र की मनःस्थिति को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर देते हैं, खोल कर रख देते हैं पाठकों के सामने। अगले सत्र में मिलते हैं, नमस्कार।